الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في شأن حبيبه إجلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بزرگان ملت، عزیزان محترم، پردہ نشیماں و بہنوں، اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا. بے پایا کرم ہے اس رب العالمین کا کہ اس نے ہمیں اللہ والوں سے نسبت عطا فرمائی. اور آج ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. محترم بزرگ اور دوستو، نفس کی ایک بہت بڑی خامی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے قصور کو تسلیم کرنا پسند نہیں کرتا. یہ نفس کی بہت دیرینہ خصلت ہے. یہ خصلت آنے کے بعد انسان کو نفس اندھا بنا دیتا. اگر یہ خصلت نہیں آئی، یعنی اپنے گناہ کو تسلیم کر لینا، یعنی مجھ سے غلطی ہو گئی، اعتراف گناہ کہتے ہیں اس کو، اعتراف قصور کہتے ہیں، مجھ سے جو غلطی ہوئی یہ واقعی میں غلطی کیا ہوں، یہ بات قبول کرنا کبھی نفس پسند نہیں کرتا.
इसमें दो किस्में हैं। एक किस्म तो ये है कि बाज़ औक़ात गुनाह करने के बाद गलती अलानिया तौर पर ज़ाहिर हो जाने के बाद उसको मान लेने का मौका होता है। यहाँ तो मानना ही पड़ता है, उसके बगैर दूसरा चारा नहीं। दूसरी किस्म ये है कि कभी गलती नहीं रहती, हम हकीकत में गलती किए हुए नहीं रहते, उसके बावजूद भी बाज हालात की वजह से अपने आप को कसूरवार खुद ब खुद खुद को ही साबित कर लेना पड़ता। ये बड़ों का मकाम है, ये सब नहीं कर सकते। जिसका नफ्स बिल्कुल नफ्स लवामा के दर्जात को मुकम्मल कर चुका होता है वो शख्स ही ये मकाम को ले सकता है। अब आम तौर से हाल यह है कि गुनाह करके ही अपने आप को गुनाहगार समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम में से कितने लोग हैं जो अपने आप को गाफिल समझने वाले हैं? हम में से कितने लोग हैं जो अपने आप को जाकिर समझने वाले हैं? अगर कोई आके हमको बोल दे कि भाई आप बड़े अल्लाह वाले हैं, तो हमारा दिल तो पहले खुश हो जाता, वाकई तुमने सबसे पहली बार जिंदगी में सच कहा है। अब वो अपने खूबियां टटोलना शुरू कर देते, हम मेरी कौन सी खूबी ऐसी देखे आप जिसकी वजह से आप मुझे अल्लाह वाला समझ रहे हैं। पलटकर ये तो देखने की फुर्सत ही नहीं रहती, मौका ही नहीं रहता कि ये शख्स क्या कह रहा है और किसको कह रहा है। पहले से एक बात हम बता रहे हैं कि अपने अंदर अपने उयूब पर अपने खामियों पर नजर रखने की फितरत पैदा करें। जो शख्स अपने खामियों को देखने का एक मामूल बना के रखता जिंदगी में, नफ्स उसको कभी भी भटका नहीं सकता। नफ्स उसको कभी भी बिगाड़ नहीं सकता। जो अपने खूबियों को देखने का आदि रहता वो कभी नफ्स से बच नहीं सकता। वो तो नफ्स और शैतान के हाथ में ऐसा खिलौना है जैसे बच्चे के हाथ में कोई खिलौना रहता। बच्चों के हाथ में जैसा खिलौना है जैसा चाहे इस्तेमाल करता हो, ये भी जैसा चाहे इस्तेमाल करता। क्या बोल रहे हैं उसका एहसास नहीं रहता, उस बारे में सोचने की फुर्सत और तौफीक भी नहीं रहती। क्या कर रहे हैं, किससे दोस्ती है, किससे ताल्लुक है, किधर जा रहे हैं, चाहत किसकी है, ख्वाहिश किसकी है, किसी भी शय का उसको तमीज ही नहीं रहती, उसको सब भूल जाता जब अपने अंदर खूबी को देखता। हर इंसान में चंद खूबियां और चंद खामियां हैं, हर मखलूक में है। कोई मखलूक ऐसी नहीं है जिसमें खाली सिर्फ खूबियां ही खूबियां हों, और कोई मखलूक ऐसी नहीं जिसमें खामियां ही खामियां हो। कोई मखलूक नहीं है ऐसी। हर मखलूक में दो दर्जे हैं। ये क्यों अल्लाह ताला रखा है, इसमें नफ्स के इस्लाह का एक बहुत बड़ा पहलू है। जब खारिज में किसी को देखोगे, किसी के अंदर हम टटोलना चाहे तो उनके खामियों पर पर्दा रखते हुए, खामियों से नजर हटाते हुए खूबियों की तरफ, अच्छाइयों की तरफ नजर डाले, और जब अपने अंदर देखना शुरू करे तो खूबियों से नजर हटाकर खामियों की तरफ, ऐबों की तरफ नजर रखे। इसलिए यह निजाम अल्लाह ताला बनाया है, भाई जिसकी नजर जैसी वैसा नजर आता है। अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है।
सिर्फ ये नज़र का कमाल है, देखने में है, वरना तो ये पूरी बहस भी एक मामूली चीज़ है। खूबियां हैं ना खामियां हैं, क्योंकि खूबियों वाला भी कोई नहीं है, खामी वाला भी कोई नहीं है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आपका मामूल मुबारक था, आप दुआ फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शुरूरी नफ्सी, ऐ अल्लाह मैं तुझसे मेरे नफ्स के शरारतों से पनाह मांगता हूँ। तो इससे एक बात ये खुद ब खुद साबित हो रही है कि हुजूर ये इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि मेरे नफ्स में भी कुछ शरारत है, हालांकि ऐसा नहीं है, इसका इम्कान भी नहीं है, इसका इम्कान भी नहीं है। ये कहकर ये किसके लिए बता रहे हैं? बाज लोग इस तरह की रिवायात को लेकर ये कहते हैं कि भाई सरकार के अंदर भी कोई ऐसी बात थी, वरना क्यों इस तरह की दुआ करते थे। वो हमको सुनाने के लिए, हमको सिखाने के लिए अपने आप को इस तरह पामाल कर दिए, और हम जो है ऐब उन पर ही लगाना शुरू कर दिए। तो ये बेनफसी है असल में, इस तरह से दुआ करना ये नफ्स की अलामत नहीं है, बेनफसी की अलामत है। उसको लेकर हम क्या करें, उससे नफ्स का सबूत दे रहे हैं। बात समझे, हम जब अपने अंदर उयूब को देखेंगे, अपने आप गुनाहगार तस्लीम करेंगे, तो ये करना खूबी की अलामत है, ये आदत अच्छी है, ये हमारे अच्छा होने की अलामत ये है कि हम अपने अंदर खराबियों को देखना शुरू करें। उसका मतलब यह है कि हम अच्छे हैं। हम अपने अंदर अच्छाइयों को तलाश करें तो इसका मतलब है कि हम अच्छे नहीं हैं। हर शख्स चाहता है कि मैं अच्छा रहूं, तो बुराइयों को तलाश करो। दो पहलू रख दिया हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला, दो पहलू रख दिया। ये सरकार दो आलम शासन की शान है जो ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मैं अपने नफ्स की शरारतों से पनाह मांगता हूं। उस मकाम पे जाकर ये बात कहना बहुत बड़ी बात है। मामूली आदमी आजिजी का रात होता अच्छा मालूम नहीं होता, बड़ा आदमी जब आजिजी करता है, आजिजी इनकी सारी में बहुत खूबसूरती है। अल्लाह को इसके सिवा शायद कोई चीज पसंद ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को अगर कोई चीज मतलूब है, कोई चीज उनके बारगाह में नहीं है, तो वो यही चीज है। तो ये चीज कभी मानता नहीं नफ्स, जब तक ये मंजिल पार नहीं करेंगे कुछ हासिल नहीं होता। मनसब मिल जाते और बड़े बड़े मकामात मिल जाते, उसके बाद जरा देखना कि मैं क्या इसका लायक हूं, मैं इसका लायक हूं। कुल सहाबा सबों का नजरिया यही था, हर एक अपने आप को अपने मकाम से गिरा कर रखते थे। जरी इसी गलती होती भी नहीं थी, मगर उसको गलती है समझकर तौबा करना शुरू करते थे। एतराफ गुना, मैं अपने आप को बुरा हूं, मैं गलती किया समझा तो ना करेंगे इंसान, ये तो कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं। जो शख्स ये काम करता, यानी अपने आप को गुनाहगार तसव्वुर करता, मेरे अंदर नफ्स में खराबियां है, पहले ये तसव्वुर जो करता है, अल्लाह उसको पहली बात ये तौफीक देते हैं कि उसको अल्लाह तौबा की तरफ माइल करते हैं। नफ्स लवामा में मैं अर्ज किया था पहले कि दो रुख है, एक खराबियों का रुख है जो नफ्स अम्मारा की तरफ वो ढकेलता है, एक खूबियों का रुख है जो नफ्स मुलहिमा की तरफ आगे तरक्की की तरफ लेकर जाता है। उसकी इब्तिदा यहां से होती है, कहां से? अपने गुनाह का एतराफ करना कि मेरे अंदर वाकई ये गुनाह है। नहीं भी है तो मैं अच्छा करना ये तो नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं किया मैं क्या करा गुनाह। हमारा मामूल है कोई आफत आ गई तो क्यों अल्लाह ताला इसी आफत मेरे ऊपर डाल दिया, हम तो कभी कोई गुनाह ही नहीं करे,
हम किसी को तकलीफ नहीं दिए उसके बावजूद अल्लाह ऐसी तकलीफें मेरे ऊपर क्यों डाल रहा। वो फला 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 बिन फला तो बहुत से बुराइयां कर लिया मगर वो अभी भी अच्छे हैं, वो गुनाह करके भी अच्छे हैं, मैं कुछ भी नहीं किया और मैं अच्छा हूं। ये लफ्ज कहां से निकल रहे हैं? दिल में है कि मैं गुनाह करने वाला नहीं हूं, मुझसे कोई गलती नहीं होती। भाई नफ्स हो और गलती ना हो ये मुमकिन है? गिलाजत पड़ी हो और बदबू ना आए मुमकिन है? अच्छी चीज भी वैसे ही है, खराब चीज भी वैसी है। फारसी में इत्र की एक तारीफ है, इत्र आबाशत के खुद बुबोयद न के अत्तार गोयद। इत्र वो चीज है जो अपने खुशबू से अपने आप अपना पता खुद दे। इत्र बेचने वाला बोलने की जरूरत नहीं है, इत्र लगा के नाक को लगा के जो ये मुश्क है, ये शमामा है, ये बोलने की, अगर वो इत्र बेचने वाला अगर बता रहा है कि ये फलां है, ये फलां इत्र है, वो सुगा कर लगा के बता रहा है तो वो इत्र ही नहीं है। वो उसको तो बताने की चीज नहीं है ना, वो ये वो चीज है। डब्बी खोलो, खोलते खुद ब खुद वो अपने एक सिफत खुशबू के जरिए से जाहिर हो जाती कि मैं यहां हूं, खुशबू की डब्बी खोली गई। हम अगर अच्छे हैं, हमारा किरदार हमारी बेनफसी खुद बताती है कि ये अच्छा है, वो छुपता नहीं। अच्छापन कभी छुपता नहीं और बुरापन भी छुपता नहीं, ये दो बिल्कुल वाजे है। हमारा बातिन अगर खल्ब दुरुस्त है, नफ दुरुस्त है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी खूबियाँ उसकी दुरुस्तगी हमारे हरकत और सकनात के जरिए से, हमारे अखलाक के जरिए से वो जाहिर हो जाता खुद ब खुद। अब बताया ना मैं, एक साहब को सुना बोलते हुए तौबा के फजाइल वगैरह बयान करा, तो हो तौबा करना, हमसे भी कुछ गलती हो गई रही तो अल्लाह माफ कर देना, हो गई तो होने का तो इम्कान नहीं है, हम क्या और गलती होना क्या, बहुत बड़े इल्म भी है, ये सब है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुबह शाम अल्लाह के जिक्र में लगे रहते हैं और हमारा कौन सा भी लम्हा बेकार में नहीं जाता, उसके बावजूद कोई गलती हो गई रही तो अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह को ये दे रहे चॉइस दे रहे, हो गई तो माफ़ कर दो अल्लाह, वरना तो होने का तो मसला नहीं है। वहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़ात में गलती और गुनाह का इम्कान ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन है, वो जिस कल्ब पे अल्लाह तबारक व ताला कुरान उतारने के लिए इंतखाब कर लिया, उस कल्ब पर कोई बुरी बात आ सकती है? अरे सरकार दो आलम सासम की बात तो छोड़िए, उम्मत में कई ऐसे लोग हैं, हजरत शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस उम्मत में कई ऐसे लोग गुजरे हैं जिनके गुनाह लिखने वाले फरिश्तों को कभी कलम उठाने की नौबत नहीं आई, और वो फरिश्ता अल्लाह से कहने लगा, अल्लाह तू मुझे क्यों पैदा किया? बाएं कंधे पर जो फरिश्ता बैठा हुआ है गुनाह लिखने के लिए, हाथ में उसके पेपर है और कलम लेके बैठा हुआ है, कब लिखूं? एक दिन तंग आके कहने लगा है, अल्लाह मुझे क्यों पैदा करा, मेरे पैदा होने का मकसद क्या है? जिसके पास बिठाया वो तो कभी गुनाह करने का ही उसको इम्कान ही नहीं है। ऐसे भी लोग गुजरे हैं। अब ऐसे लोगों का हाल ये है, तूबा लिमन वजदा फी सहीफतिही इस्तिगफारन कसीरा। सरकार द्वारा सबकी हदीस है, खुशखबरी है उस शख्स के लिए जो अपने नाम आमाल में इस्तिगफार को कसरत से पाया है, उसके लिए खुशखबरी है। ये तौबा हम करते ना, इस्तिगफार क्या समझ के करते हैं हम? अक्सर लोग, अब एक तो वाकया सुनाया, एक शख्स ऐसा कह रहा था, अक्सर लोग ऐसे ही पढ़ लेते, तस्बीह पढ़े ऐसा, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी पढ़ लेते, पढ़ते हुए अपने गुनाहों को तसव्वुर में लाते ही नहीं। क्यों तसव्वुर में गुनाह नहीं आते? क्योंकि हम अपने आप को गुनाह करने वाला समझे ही नहीं।
एतराफ़ गुना ये बेनफसी की अलामत है। हो अब तो बात पहले किस्म भी चल रही, गुनाह करके करा मानना, अब नहीं करने के बाद के हालात आगे चलेंगे हम। वो कौन लोग हैं, वो कैसे पाकीज़ा लोग हैं, उनका क्या मकाम और मर्तबा है। अब तो बात ये चल रही कि हम तो हर पल जो अल्लाह की याद से गाफिल है, क्या ये गुनाह नहीं है? अपने नफ्स को महसूस करते हुए जो जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या ये गुनाह नहीं है? बड़े बड़े गुनाह तो उसके साथ है ही है। ईमान वाले की अलामत ये है कि वो गुनाह करते ही फौरन उसके दिल में बात खटकती कि मैं गलत करा, मैं गलीज हूं और रुए जमीन पर मुझसे बदतरीन शख्स कोई नहीं है। ये ख्याल जब गुनाह करने के बाद आता है तो समझे कि उसका ईमान अभी छोटी सी चिंगारी के शक्ल ही में सही बाकी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा सर्रत का हसनतु का वसाअत का सैयतु का फअंता मुमिन। जब तुम्हारी नेकी तुम्हें खुश करे और तुम्हारे गुनाह तुम्हें गमगीन करे, परेशान करे, तो समझो कि गुनाह नेकी करके दिल को सुकून महसूस करना और गुनाह करके अपने आप को गमगीन और परेशान पाना, ये ईमान वाले होने की अलामत है। तुम ईमान वाले, इसके लिए बहुत बड़ी सर्टिफिकेट है। अज़म्बु मा हाका फी नफ्सिक, गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खटके। किसी से मसला पूछने की जरूरत नहीं, फस्तफ्ती कल्बक, तुम अपने नफ्स से फतवा पूछ लो, अपने दिल से फतवा पूछ लो, वो खुद तुम्हें बताएगा कि सही है या नहीं। अब ये हदीस को लेके कचंबर बना दिए, जो चाहे अपने ही दिल से पूछना शुरू कर दिए। नमाज हुई नहीं हुई उसे नहीं, अपने दिल से पूछ लो साहब। अब ये जो हदीस मैं बताया हूं कि अपने नफ्स से फतवा पूछ लो, कौन सा फतवा? जब तुम गुनाह करे और उसमें शक हो रहा है कि ये गुनाह है या नहीं है। जिंदगी में कई ऐसे काम हैं हम करते रहते, हमारा दिल कहता कि ये काम सही नहीं है, तुम्हारा रास्ता सही नहीं है। अल्लाह ताला एक बहुत बड़ा एहसान और इनाम रखा अंदर, वो कहता था ये सही नहीं है, उसके बावजूद भी इंसान ऐसा कमीना है उसको नहीं छोड़ता। वो नफ्स की आदत है, वो भाई मैं नहीं छोड़ सक रहा, मालूम है ना, मालूम होने के बाद भी क्यों इख्तियार कर रहे, मालूम होने के बाद भी क्यों इख्तियार कर रहे हैं उसका? या तो मालूम होने के बाद भी उस चीज को इख्तियार कर रहे हैं, या तो पागल है, या बहुत बड़ी तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए अपने आप को जरी और तैयार करके रखे हैं। दूसरी सूरत ही नहीं है, दूसरी सूरत ही नहीं है। तो अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया, वमन लम यतुब फौलाइका हुमुद्दारिमून, जो तौबा न करे वो जालिम है। गुनाह करने वाले से अल्लाह ताला कभी भी नाराजगी का इजहार नहीं फरमाए, एक आयत भी कुरान में, कहीं भी हदीसों में नहीं है। क्या बात कर रहा हूं मैं, तुम्हारे अंदर ऐब है या बुरी खसलतें हैं, गुनाह है, अल्लाह ताला इसकी बहस ही नहीं किए। गुनाह करने के बाद बंदे का रद्द अमल क्या है वो अल्लाह देखते हैं। क्या देखना चाहते हैं गुनाह करने के बाद? जब बंदा गुनाह करता है तो फरिश्ता कलम उठाता है लिखने के वास्ते, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फरिश्ते क्यों कलम उठाया? कहा कि अल्लाह गुनाह किया है, लिखूं इसलिए कलम उठाया। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अभी तो गुनाह किया है, अभी तो गुनाह किया है, थोड़ा इंतजार कर ले, शायद वो तौबा कर लेगा, थोड़ा इंतजार कर लेगा तो फिर तुझे लिखने की नौबत नहीं आती। अगर वो बाद में तौबा करेगा तो जो तू लिखा है उसको मेटना पड़ेगा, मेटने से अच्छा है थोड़ी देर इंतजार कर ले, लिखने की नौबत ही नहीं आती। कहेगा कि अल्लाह कब तक इंतजार करूं? एक दिन एक रात गुजरने तक इंतजार करो। अल्लाह तबारक व ताला जिस फितरत पर इंसान को पैदा किया, वो उस फितरत के जुहूर का इंतजार कर रहा है।
कि वो फितरत इसको तकाजा करेगी तो ये तौबा कर लेगा। अभी नाराज नहीं हुआ, ये क्यों नहीं लिख रहा है? गुनाह जब सरजद हो गया, वाकई हो गया गुनाह, तो अब लिख देना चाहिए था। तो अल्लाह ताला इंसान के अंदर एक जौहर रखा जिससे अंदर से एक बात निकलती है कि तुम गलती किए। वो चाहता यह है कि अरे बंदे गुनाह किया, कोई परेशानी की जरूरत नहीं, कपड़े को धब्बा लग गया, डरने की जरूरत नहीं, पानी मौजूद है, साबुन मौजूद है, ये तौबा क्या है, मिस्र साबुन और पानी के है, धो लो आराम से। जब बंदा सिर्फ ये कहेगा अल्लाह मैं गुनाह किया, मैं नहीं गुनाह करा तो कौन करेगा, तो अल्लाह कहेगा कि बंदे मैं इसी के लिए इंतजार कर रहा था। कितना आसान है, सिर्फ ये कहना है कि हां मैं गाफिल था। क़ियामत के दिन एक बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, अल्लाह ताला पूछेंगे कि बंदे तू फला फला गुनाह किया, सही है क्या? हाँ अल्लाह मैं गुनाह किया हो। और बताएंगे छोटे छोटे गुनाह पहले अल्लाह ताला खींच कर लाएंगे, फला फला गुनाह किया, ये सही है? हाँ अल्लाह सही है। उसके इस एतराफ़ गुनाह को अल्लाह ताला इतना पसंद करेंगे कि अल्लाह सारे हर छोटी छोटी गुनाह छोटे छोटे गुनाह को लाकर रखेंगे, ए बने तू ये भी किया सही है? हाँ किया। फला भी किया? हाँ हाँ किया। उससे लुत्फ आता है मौला को। तो फरिश्ते कहेंगे कह अल्लाह ये एक एक गुनाह अलग बताने की क्या जरूरत है, हम इसके सारे गुनाह हम गिन कर दे देंगे। तो फरिश्ते से कहेंगे ठीक है गिन के दे दो, तो इसके इतने गुनाह है, छोटे छोटे गुनाह पहले लाकर रख देंगे। तो अल्लाह कहेगा कहे फरिश्तों इसने हर गुनाह को मान लिया है कि मैं किया हूं, लिहाजा जैसे ही ये मानता गया हर गुनाह नेकी में मैं उसको बदलता गया। तो बंदा कहेगा कहे अल्लाह ये तो छोटे छोटे है, बड़े कहाँ है पूछेगा। बंदा पूछेगा कहे अल्लाह ये तो छोटे छोटे है और भी बड़े बहुत है। मौला की रहमत को देखकर गुनाहगार को भी वज और रक्स आ जाता, वो उसको अपने गुनाह बताने पर कोई उस मकाम पर कोई शर्म नहीं आती उसको, और अल्लाह और बहुत है और निकाल। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। दरिया पुकारता है हर दम के ऐ हुबाब, तेरे लिए मैं तेरी तरह इंतजार में हूं। दरिया का कोई रुख नहीं है, हवा जिस तरफ चली उस तरफ उसका रुख है, उस तरफ उसका रुख है। तो चाहता यह है कि बंदा पहले एतराफ करे मुझसे ये गलती है। ये अगर समझना शुरू कर दिया, झगड़ा ही नहीं है, कोई मसला नहीं है। इसी मसले को नहीं समझने की वजह से शैतान आज तक लानती है, और जो जो नहीं समझे वो सब भी लानत में है। बहस करने की जरूरत ही नहीं थी उसको, वो सिर्फ ये कहा कि मैं सही किया हूं, मैं जो करा वो सही है। अब ये बहस नहीं है कि वो सही किया या गलत किया, वो बात करना ही नहीं है। तू अपने आप को सही साबित कैसे किया, सवाल ये है, तू अपने आप को सही साबित कैसे किया। ये करना था, अल्लाह तबारक व तआला की लानत उस पर वारिद हो गई। अपने आप को सफाई देना था, सफाई गुनाह होने के बाद। अब बताते ना हम कोई गलती हो गई, कोई टोक दिए कि भाई ऐसा नहीं करना है ऐसा करना है, तो हम फौरन उसकी सफाई दे देते, नहीं ऐसा नहीं है मैं ऐसा समझा था। तुम्हारे दिल में क्या है अपने गुनाह को छुपाने के वास्ते, मैं ऐसा नहीं कर रहा था ऐसा कर रहा था, दुरुस्ती है वहां का मैं दुरुस्त कर देते हम, हालांकि वो सही नहीं होता। वो अपने गुनाह को छुपाने के वास्ते किसी तरह तोड़ मरोड़ कर देते। हजरत सईद सहाबा का दौर देखिए, उनको अगर गलती बता दिए
उस पर कुर्बान हो जाते थे, इससे बढ़कर मुझ पर एहसान करने वाला कोई नहीं समझते थे। आज किसी को बता के देखो आप, पहले टाइटल आता बेअदबी का, किसी बड़े आदमी को, किसी आलिम को, भाई आप इस तरह से नहीं करना चाहिए, आप आलिम है, फौरन पहले ठप्पा लग जाता, बेअदब है, गुस्ताख है, तमीज़ नहीं है। अब मिसाल उसकी ऐसी है, हमारे कपड़े पर पेशाब लग गया, अब कोई बता दिए कि भाई आपके कपड़े पर पेशाब लग गया है, आप ज़रा धो लीजिए, और मैं उससे, वो पेशाब तो ऐसे ही लगा हुआ है, उसको तो छोड़ दिया, जो बोला उसको पकड़ के, तुम बेअदब है, तुम गुस्ताख है, ये धब्बा जाता उससे इस तरह कहने से। अब जब तक उसको हम मलामत करते रहेंगे, ये धब्बा हमारे कपड़े पे लगा हुआ ही रहता, जब तक ये गिलाजत है हम मानेंगे नहीं, जाकर धोने की तौफीक हमको नहीं होती, नहीं होती तौफीक, जब तक नहीं करते तौफीक। इसीलिए एतराफ गुनाह से पहले तौबा की तौफीक नहीं होती। सफाई जो देते ना हम, ये इतनी बुरी खसलत है, गुनाह करने के बाद साबित हो गया कि हम गलती किए, अपनी इज्जत बचाने के लिए हम समझ रहे हैं कि हम इज्जत बचा रहे हैं, हालांकि हम अपनी इज्जत को पामाल कर रहे हैं और बहा रहे हैं और जिल्लत को खरीद रहे हैं। थोड़ी देर अगर झुक जाते उस वक्त तो मंजर बिल्कुल हसीन हो जाता। अब सुनिए एक अजीब व गरीब वाकया सुनाता हूँ। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है। कितने बेनफ्स लोग थे, उनको हक था उस मिंबर पर बैठने का, उनको हक था आकाए दो जहां की खिदमत जलीला में बैठकर फुजूज़ और बरकात हासिल करने का। यूं ही पैदा नहीं हो गए वो लोग उस जमाने में, उनको वो सलीका, वो फितरत और वो तबीयत अल्लाह दिया था। दौरे खिलाफत है, जुमा का वक्त है, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में तशरीफ लाए, मिंबर की तरफ खुतबा देने के लिए जा रहे थे। एक बदबू महसूस हुई, हवा खारिज होने की जैसे बदबू रहती वैसी बदबू महसूस हुई, तो अलल ऐलान कह दिए, कौन है वो बदबख्त जो जुमा के दिन मस्जिद नबवी में इस तरह की हरकत किया और मस्जिद को बदबूदार कर दिया। फौरन वो इस मजलिस से निकल जाए और वुजू बनाकर आए। मस्जिद नबवी भरी हुई है, अब कोई उठेगा, सारी जमात उसको देखेगी कि यही वो शख्स है। मस्जिद का तकद्दस, मस्जिद की पाकीज़गी बरकरार रखने के लिए, उसकी नमाज को भी दुरुस्त करवाने के लिए आप तो हुक्म दे दिए कि फौरन वो मस्जिद से उठ जाए और बाहर जाकर वजू लेकर आए। अब थोड़ी ही देर हुई, कोई नहीं उठा, एक सहाबी रसूल खड़े हुए, हजरत अब्दुल्ला बिन जरीर रजी अल्लाह तआला अन्हु, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यूसुफ हाजिर उम्मा का खिताब दिया। इस उम्मत के यूसुफ बड़े हसीन थे, बड़े ताजिर थे, वो उठकर खड़े हुए और कहने लगे, अमीर मिनीन गुस्ताखी माफ हो, तो एक बात अर्ज करूं, क्यों ना हम सब ही मिलकर जाएं और वजू बनाकर आए, हम सब मिलकर जाएंगे और वजू बनाकर आएंगे, ताकि वो जो असल ऐबदार था हमारे जाते हुए, हम में वो भी शामिल हो जाकर उसका ऐब छुप जाए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला मिंबर पर है, ऐसा बाजू रखे और मिंबर से उतर आए और अब्दुल्ला बिन जरीर रजी अल्लाह तआला गले लगाए और कहने लगे, अय अब्दुल्ला, अगर आज तुम नहीं होते तो उमर हलाक हो जाता था। मैं तुम्हारा इमाम हूँ, खलीफा हूँ ना, पहले मैं जाता हूँ वजू बनाने के लिए, मेरे पीछे तुम सब आओ। इज्जत गई। आज ये वाकया हम सुना रहे, इसमें वो अब्दुल्ला बिन जरीर जो बोले थे उनका भी एक बहुत बड़ा मकाम किरदार है, मगर इस वाकये में सबसे बड़ा किरदार हजरत उमर का है। सफाई नहीं दिए ना,
वो ये कह सकते थे, है तुम्हारा, अगर उनकी जगह हम होते तो कह देते कि भाई एक शख्स का वजू गया तो सब क्यों मनाएं, फिखा का मसला लाके रख देते, सब लाके खोल के रख देते वहां, सफाई पेश नहीं किए। अब यहां उनके इस कहने से हजरत उमर की बात गिर गई ना, फौरन वो शख्स उठकर जाए और वजू बनाकर आए, ये जो बात थी वो बात गिर गई है उमर की। उन्होंने ये नहीं देखा मेरी बात जा रही है, सफाई नहीं दिए और मान लिए कि मैं जो ऐलान किया हूं वो गलत है, अगरचे कि मैं खलीफा वक्त हूं, अगरचे कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, अगरचे कि मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलील कदर खिदमत गुजार और सहाबी हूं, ये सब रहने के बावजूद बात अच्छी दिखी। छोटा आदमी कह रहा है, मुख्तदी इमाम को कह रहा है, रियाया खलीफे को कह रही है, उसके बावजूद भी कबूल कर लिए और गले लगाए और कहने लगे आज तुम नहीं होते तो उमर जिंदा रहना भी बेकार था। याद है अब तलक कौमों को हिकायत उनकी, नक्श है सफ है दिल पे सदाकत उनकी, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम जमाने की इमामत का। ये नफ्स को पाकीजा बना के बैठे सो लोग हैं ये, तो ये वाकया तो किसी और मजमून का मौजू का है, लेकिन हजरत उमर का किरदार देखिए, सहाबा किसी बात में अड़ जाए तो हर जितने वहां होते हर एक का अलग अलग किरदार वहां होता। तो ये जब हम अपने गुनाह को दबाना चाहते ना, ये हमारे नफ्स परस्त होने की बहुत बड़ी अलामत है, बंदों के सामने हो या लोगों के सामने। हम एक काम गलत कर देते घर में, अब बीवी के सामने हम थोड़ी देर के लिए गलत साबित हो जाते, अब दिल में यह रहता कि मैं तो शौहर हूं, अगर मैं गलती करने के बाद भी अकड़ के नहीं रहा तो मेरा मकाम चले जाता बीवी के सामने, गलती करके भी बीवी से लड़ते रहते, आजू बाजू बच्चे भी देखते रहते हो मंजर, ये गलती किया बाप, उसके बावजूद भी अपना मकाम बचाने के लिए लड़ रहा है, हालांकि अपना मकाम बचाने के लिए जो काम कर रहा है उससे उसका मकाम खत्म हो रहा है। अरे मैं ऐसा नहीं बोलना था, बोल दिया, माफ कर दो, इज्जत बढ़ जाती थी उससे, इज्जत उससे बढ़ती, गुनाह मको मान लेने में इज्जत बढ़ जाती, गुनाह को छुपाकर वो वैसे ही छे छुपती वो चीज़ है, अभी मैं बताया ना मैं नहीं छुपती वो चीज़, अब इस कमरे में अगर किसी मकाम पर चूहा मरा हुआ है छुपती उसकी वो, कुछ भी कर लो उसकी वो छुपती नहीं, परेशान करते रहते हमेशा हमेशा वो बताते रहती कि यहाँ कोई मुर्दार पड़ा हुआ है। हमारे गुनाह के बाद भी सफाई देना ये काम ये बताता रहता है कि इसके अंदर एक चूहा मरा पड़ा है, बताते रहता ये कमीना है हर लफ्ज, अब उस पर बढ़ते ही जाता वो अपने चीज को छुपाने वास्ते, मगर वो चीज छुपती नहीं, जलील ही होते, एक मरतबा अगर झुक जाते ये काम नहीं करना था, बात खत्म हो जाती थी, ऐसा एक दो नहीं, सहाबाए किराम के मुतअद्दिद वाकियात है, वो अपने आप को झुका दिए, पहले ही अपने आप को बुरा समझ के रखते थे। अब ये जो मैं बता रहा हूं ये मौके पर करने का काम नहीं है, जिस वक्त कोई ऐसा मामला पेश आ जाए, हमसे गलती हो जाए और कोई टोक दे तो फौरन हम उस वक्त अपने आप को मैं गलती किया समझ के अपने गुनाह को साबित करने के सरेंडर नहीं हो सकते हम, पहले से कल्ब में ये रहना कि मैं गुनाहगार हूँ, पहले से वो इस मामूल में रहना कि हम खराब है सब अच्छे, ये प्रैक्टिकली जो पहले से इसके अंदर चलता रहता है वो शख्स मौके पे आकर ये कहता है। अब ये बयान सुनने के बाद कई मौका आया तो ऐसे ही करेंगे समझेंगे आप, नहीं कर सकते
हरगिज नहीं कर सकते। वही शख्स कर सकता है जो इस वाकये से पहले अपने जिंदगी के बहुत से मसाइल में जब भी वह इस्तग़फ़ार की तस्बीह लेकर बैठता है, मैं ये किया मैं वो किया, अपने सारे गुनाह डाल के रखता है। अभी मैं अर्ज किया कि ईमान के हमारे दिल में होने की एक अलामत अगर महसूस करना चाहे तो वो ये है कि जब हमसे गुनाह हो जाए फौरन ये तसव्वुर कर ले और अपने दिल को अपने नफ्स को इस बात के मानने पर मजबूर करे कि तुझसे बड़ा रूए ज़मीन पर कोई गुनाहगार नहीं है। ऐन उस वक्त कोई हादिसा पेश आ जाए, कोई तेज आंधी आ गई या उस दिन धूप तेज हो जाए तो समझे कि ये मेरे गुनाहों की वजह से है। ये कोरोना का वबा जो फैली ना, हर शख्स ये कह रहा था कि लोगों में बुराइयां बहुत हो गई भाई, लोग आ गई को भाई तुम क्या है, माहौल में बुराइयां बहुत ज्यादा हो गई, इस वजह से अल्लाह ताला के ऐसे आजाब आ रहे हैं, ऐसे तकलीफ के सूरतें दिना देखना पड़ रहा। इस तरह हर शख्स ये कह रहा कि लोगों में ज्यादा हो गए, लोगों में बुराइयां ज्यादा हो गई, हर शख्स ये कह रहा। अगर कोई एक कहता कि मेरी वजह से मुझ कमीने की वजह से ये वबा आई है, फौरन खत्म हो जाती थी। सब ये कहने वाला है कहीं कोई काम खराब हो गया, हर शख्स ये टटोलना शुरू करता कि ये काम किसकी वजह से खराब हुआ। पहले अपने आप को उठा के बाजू रख देते और सब उनकी वजह से हुआ या इनकी वजह से हुआ, सब टटोलते। अगर खुद को टटोल लेते तो मसला हल हो जाता, मैं आया इसलिए काम खराब हुआ, मेरी नहुसत है इसलिए काम खराब हो गया। हमारी ये पुरानी फितरत है, जब भी बुराइयां गिनना शुरू करते अपने आप को पहले हटा देते, गिनती से हटा देते पहले। वो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का वाक्य मशहूर है, एक उस्ताद था उसके 10 बेवकूफ शागिर्द थे। पहले जमाने में कहीं कहीं रहते थे, आज पूरे शागिर्द बेवकूफाई थे, क्योंकि उस्ताद खुद बेवकूफ है। 10 शागिर्दा थे, उस्ताद खुद बेवकूफ है आज, वरना शागिर्द बेवकूफ कैसा बना, बेवकूफ का शागिर्द बेवकूफ, जिसकी सोबत में रहा वो कैफियत रहती उसके अंदर। हमारे एक उस्ताद है ऐसे जो मशहूर है, उनका एक शागिर्द भी होशियार होनहार नहीं बना। क्या मतलब है उसका, अब एक उस्ताद के क्लास में हर बच्चे में एक ही खामी है मुश्तरक, तो वो खामी असल में कहाँ से आई, उस्ताद के अंदर से। पूरे सब्जेक्ट में बच्चे अच्छे, एक सब्जेक्ट में पूरे बच्चों के नंबरात कम है, तो अब वहाँ लोग वो जो मैनेजमेंट है वो लोग पहले उसको पकड़ेंगे, उस्ताद को प्रोफेसर को पकड़ेंगे, जिसने बच्चे कमज़ोर है तुम्हारी वजह से, पूरे सब्जेक्ट में तो बच्चे अच्छे नंबर लाए, इस एक में नंबर क्यों नहीं आए, इसकी वजह तुम है। तो ये बात बता रहा था, वो एक उस्ताद था जिसके 10 बेवकूफ़ शागिर्द थे, मौलाना रूम रहमतुल्लाह बता रहे हैं, क्या वाकया बता रहे हैं, हाल पे पहले हमला करते हैं मौलाना रूम, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अली की तीर पहले हाल पे अटैक करते। अहवाल की किताब अगर मिलना है तो मसनवी से बढ़कर कोई नहीं है। हस्त कुरान दर जुबान पहलवी मौलवी यो मसनवी यो मानवी, कुरान को अगर फारसी में पढ़ना है तो मसनवी को पढ़ो। ये शेर मौलाना अब्दुलरहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह का है, ये मौलाना रूम नहीं फरमाए, जो पाए हैं वो कह रहे हैं, पाने वालों के वास्ते बोझ है, नहीं पाने वाले के वास्ते कुछ भी नहीं है। पूरे गुनाह करके सबसे बड़ा कमीना रह के अपने आप को अच्छा समझता हो, अपने आप को अच्छा ही पाता हो। तो ये जो उस्ताद था अपने शागिर्दों को कभी कोई काम नहीं बोलता था, कभी खिदमत नहीं करवाता था, क्योंकि बेवकूफ है, हर काम खराब कर देंगे। वो शागिर्द जो है बड़े जज्बात से रहते थे कि जिंदगी में कभी ना कभी उस्ताद हमसे काम ले ले, किसी भी मौके पर ले ले। एक दिन 10 शागिर्द आकर बैठे,
बादब पूरे एहतराम के साथ और गुजारिश करने लगे, उस्ताद जी एक मर्तबा हमको किसी काम का मौका दे दो, हम साबित करेंगे कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम साबित कर देंगे कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं। ये जुमला ख़ुद बता रहा है कि हम फिर बेवकूफ़ी वाला काम ही करेंगे। मैं अच्छा करूँगा कहने वाला खुद ख़राब करता बना हुआ। इसीलिए मज़हब हमारा कितना पाकीज़ा और अच्छा है। देखिए जो भी काम करने का इरादा जाहिर करो तो कह दो कि इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहे तो करूँगा। मौला को सामने ला दिए, मैं ख़त्म हो गया ना यार, मैं को ख़त्म करना है, वो बेनफसी से कहना है, वो मैं नहीं कर सकता, उन्होंने चाहे तो अब मेरे ऊपर क्या है, वो चाहे तो कर ले सकते, मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर अच्छा करने की सिफत ही नहीं है। तो वो अगर मौका पूछ रहे हैं कि यार एक मर्तबा मौका दे दो, हम अच्छा करके दिखाएंगे, तो अब उनके इसरार पर उस्ताद इनकार नहीं कर सके और कहने लगे ठीक है, एक छोटा सा काम मैं बोलता हूँ तुमको, वो ये है कि छोटी सी नदी है, उसके पीछे जंगल है, वहाँ जाओ और लकड़ियाँ चुन के लाओ, चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियाँ चुन के लाओ, तैयार हो गए। और उस्ताद जाते हुए नसीहत किए कि तुम जैसे ही नदी पार करके वापस आओगे तो पहले नदी के किनारे ठहर कर गिन लो कि तुम बराबर है या एकाध कोई डूब गया होगा। हाँ बिल्कुल, हम आपकी नसीहत पर अमल करेंगे, कभी नहीं करता बोलने वाला, नसीहत पर अमल करेंगे जो बोलता वो कभी नहीं करता। फिर कौन अमल करता, सुनते हुए वहीं अपने नफ्स को मलामत करके इसलाह उसी वक्त जो कर लेता वही नसीहत पर अमल कर सकता, या उठ के बाहर जाने के बाद अमल करेंगे जो सोचता ना, नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बात यहीं रह जाती। बाद में जाके मुसल्ला बिछा के बाद में जाने का नहीं रहता, मुसल्ला बिछता नहीं, अब ये करता भी नहीं। अब ये गए निकले उस्ताद के हुक्म के मुताबिक, वो नदी पार किए और काड़ियाँ वगैरह जो कुछ लकड़ियाँ थे जमा कर लिए, और वापस जब नदी पार करके आए तो अब उस्ताद की नसीहत याद आई कि आपस में आने से पहले गिन लो अच्छी तरह से। तो कहा कि आप लोग पूरे ठहर जाओ, मैं गिनूंगा। एक अलाहिदा हुआ और सबको गिनने लगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कहा कि अरे 9 है, हम तो 10 थे, 9 कैसे हो गए। अब दूसरे बेवकूफ़ ने कहा अरे तुम्हारी गिनती सही नहीं है, मैं सही गिनूंगा, हर जगह मैं सही गिनूंगा, जो कहता ना वही गलत गिनता। बस वो आ गया अलाहिदा और वो गिनना शुरू किया, सामने 9, सामने जितने थे ठहरा दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही हैं। फिर इस तरह से 10 जने गिने लेकिन गिनती 9 की है। रोते हुए उस्ताद के पास गए, उस्ताद बड़ी गलती हो गई, चूक हो गई, हमारा एक साथी जो है नदी में गर्क हो गया। कहा कि क्यों क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम वापस जब आए थे तो अपने आप को गिन लिए तो हम 9 ही हैं। कहा कि तुम ठहरो मैं गिनता हूँ, तो उस्ताद जब गए तो 10 है। कहा कि 10 है ना, तो वो खुश हो गया, अरे हम पूरे 10 है, कोई गर्क नहीं हुआ, सब सलामत है। अरे तुम जी के सलामत रह के फ़ायदा क्या है बेवकूफ़ो, तुम जिंदा रह के करना क्या है तुमको, आपस में गिनती सही नहीं कर सके। कहा कि फिर जब तुम गिने तो 9 कैसे आए, उस पर तो कोई तकलीफ नहीं है, गम नहीं है, हम 10 के 10 जिंदा है, इस पर तुम्हें खुशी हो रही है, गिने कैसा तुम। तो कहने लगा सारे लोगों को हम सामने खड़ा कर देते और एक शख्स अलाहिदा होकर गिनता। कहा कि गिनने वाला गिनती कहाँ से शुरू किया, आके सामने से, खुद को कौन गिना, फिर खुद को नहीं गिना, सामने जितने ठहर के है 9 जनों को गिन लिया, खुद को गिनती से बाहर निकाल दिया। ये हाल हमारा है। अब उन बेवकूफों पर तो सबको हंसी आई। अभी मैं ये वाकया बोलने से पहले ये अर्ज किया था, मौलाना रूब रहमतुल्लाह अलैह का हमला हाल पे होता है। एक वाकया बयान करके सबको उसमें लाके शामिल कर दिए,
जो शख्स बुराई देखते हुए अपने आप को नहीं गिना, वो शख्स इन्हीं बेवकूफों की तरह है। ये बताना चाहते हैं, वो 10 खत्म नहीं हुए, वो अरे हजारों फैल गए वो। तो ये जो अपने आप को गुनाहगार तसव्वुर करके रखना, हमेशा इज्ज़ो इनकसारी में रखना, ये बेनफसी की अलामत है। वो शख्स नफ्स के हरबों से बच सकता है, एक उम्मीद है उससे, एक उम्मीद है उससे, वरना तो नहीं बच सकते। नफ्स लवामा की कैफियत, नफ्स मलामत कब करता, जब हम अपने आप, नफ्स लवामा का मतलब मलामत करने वाला है, ताना देने वाला, अरे तू कैसा है, अल्लाह की इतनी नेमतें लेने के बाद इस तरह के गुनाह कैसे कर रहा है, इस तरह से दिल में जो ख्याल आता है कब आता, मैं गुनाह किया हूं, मानेंगे तब तो आएंगे ना, नहीं मान रहे, मानने के लिए तैयार ही नहीं, तो फिर नफ्स लवामा के मकाम पर नफ्स पहुंचेगा कैसे, नफ्स लवामा की खूबियों से मालामाल कब होगा। नफ्स लवामा की कैफियत हासिल करने के लिए, उसकी खूबी अपने नफ्स में महसूस करने के लिए, फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम अपने आप को कसूरवार तसव्वुर करें। गुनाह होने के बावजूद, गुनाह होने के बाद, अब तक तो बात ये चली कि हमसे गलती हो जाए, उसके बाद हम अपने आप को गुनाहगार तसव्वुर करें। अब आइए दूसरा रुख जो इस मजमून का है, वो ये है कि एक वो भी हस्ती है जो गुनाह नहीं किए, उसके बावजूद अपने आप को गुनाहगार समझ रहे हैं, उसके बावजूद वो सफाई नहीं दिए, गुनाह नहीं होने के बावजूद एक शख्स से गुनाह हो गया और वो गुनाह को छुपाने के लिए बड़े बड़े बहाने तराश रहा है, वो शख्स तो उसका, उसकी हालत तो बिल्कुल बेकार है। अब उस शख्स की बात है जो गुनाह भी नहीं किया, मगर उसके बावजूद भी अपने आप पर गुनाह का इल्जाम ला रहा है। जब उसको न किए हुए गुनाह पर डांटा जाए, न किए हुए पर तंबीह की जाए, तब वो खामोश रहकर अपने आप को गुनाहगार साबित करने लगे। ये है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब ये जो पहले की बात थी वो इबलीस था, गुनाह किया उसके बावजूद भी अकड़कर ठहरा रहा, अपने गुनाह को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था, अपने आप को गुनाह करने के बावजूद भी अना खैरुम मिन का मिज़दाक बता रहा था, हालांकि वो नहीं था। इधर आदम अलैहिस्सलाम है जिनसे गुनाह नहीं हुआ, उसके बावजूद हाल ये है, अल्लाह खुद कह रहा है फअज़ल्लाहुम शैतान वाना, जन्नत से निकाले क्यों, ये शजरे ममनुआ जन्नत में गया कैसे, शैतान को जन्नत में कौन दाखिल करा, अगर अल्लाह नहीं चाहता तो क्या शैतान जा सकता था, शैतान को खुद मौला भेजे और जन्नत में खुद ऐसा दरख्त लगाए, और वो आदम अलैहिस्सलाम के मुंह तक पहुंचाए उसका दाना, और जब खाए आदम अलैहिस्सलाम कपड़े भी उतार दिए, ये सब हो रहा है। हम समझते ना, हम मजबूर है गुनाह करने से, अल्लाह ये नहीं रखता तो हम बच जाते थे, नहीं रख, अकेले भाग के कोई पहला फर्स्ट आया तो कोई कमाल की बात है, रनिंग रेस है, अकेले भाग रहे, भाई मैं फर्स्ट आ गया। शैतान का होना बहुत बड़ी नेमत है। अब इसका सबूत कुरान से दूंगा, वरना तो फौरन इतराजात हो जाएंगे। शैतान का होना भी एक नेमत है, आदम अलैहिस्सलाम को नेमत मिल रही, और खलकल जानना मिन मारिज मिन नार, खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार, कुरान में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम इंसान को ठीकरी से पैदा किए, व खलकल जानना मिन मारिज मिन नार, और हमने शैतान को आग से पैदा किए, आग के शोलों से पैदा किए, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज्जिबान, ऐ इंसानो, ऐ बंदो, तुम अल्लाह के किन किन नेमतों को झुटलाओगे, मतलब ये भी तो एक नेमत है कि हम शैतान को पैदा किए तुम्हारे लिए। शैतान को जो पैदा किए ताकि तुम्हारे अंदर से हमारे मोहब्बत के जौहर को जाहिर करे, ये तुम्हें आकर
माँ सिवा की मोहब्बत की तरफ फेरेगा, ये तुम्हारे पास आकर तुम्हें शहवतों की तरफ लेकर जाएगा, तुम्हें हुब्बे दुनिया की तरफ लेकर जाएगा। ऐसे मौके पर जब तुम हर माँ सिवा के से मुंह फेरते हुए मौला की तरफ पलटोगे तो तुम्हारी मोहब्बत का सबूत वहां से मिलेगा। उस वक्त मालूम होगा कि तुम अल्लाह के कितने वफादार है, अब वो शैतान ही नहीं है, मतलब अकेले भाग रहे हैं हम। वहां फर्स्ट आने का है ना सेकंड आने का है, चार लोगों में भागो, कोई तुम्हारा मुकाबला करने के लिए आ जाए, मुकाबला करने के लिए आए तो उससे जीत या हार साबित होती ना भाई। अब बॉक्सर किक बॉक्सिंग हो रही है, एक ही शख्स ठहरा हुआ है रिंग में, दूसरा है ही नहीं, एक ही टीम है बस, मुखालिफ टीम नहीं है। अब हमारा तो हाल ये है, ये शैतान एक महीने के लिए बंद हो जाता तब भी हम जो है ये एक अजीब मखलूक है, तब भी हमारे अंदर कोई शैतान से कम औसाफ जाहिर नहीं होंगे, जैसे हो उसके रहते हुए थे उसके बाद भी वैसे ही हुए। वो एक ऐलान कर रहे अल्लाह खाम खा के तो शैतान को पैदा किया और उसको नेमत कह रहा है, उसके बगैर भी हम गुमराह हो जाते, हम उसकी जरूरत ही नहीं है, उसके बगैर भी हम कमीने थे। तो बात यह कर रहा था हद आदम अलैहिस्सलाम और इबलीस का, जो दोनों का जो वाकया, इसमें बहुत से असरार है कुरान में इस्लाह के वास्ते, वो बड़ी बड़ी बातें कर लेना नहीं है, जो काम की नहीं है, हाल को दुरुस्त करने की नहीं है, उससे फ़ायदा नहीं है। तो अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से ये सारे काम करवाए और ख़ुद कह रहा है फ़ाज़ल्लहुम अश्शैतानु अन्हा, आदम गुनाह नहीं किए, शैतान इस तरह से करवाया, सफाई हो गई, आदम अलैहिस्सलाम नहीं किए, इस तरह से ये हो गया। अब आदम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, अल्लाह खुद कह रहा है कि आदम तुम्हारी गलती नहीं है, मगर आदम अलैहिस्सलाम कह रहा है अल्लाह मैं गलती किया हूँ, मुझसे गलती हो गई है। वो अल्लाह ताला देखना यही चाहता था, एक वो मखलूक है जो 1,00,000 बरस इबादत किया और खलीफा बनाने का जब मौका आया तो वह अपने आप को हकदार समझ रहा था कि मैं 1,00,000 बरस का इबादत गुजारूँ। इबादत करने वाला खलीफा नहीं है, गुनाह करने वाला खलीफा है। गुनाह करने वाला खलीफा का मतलब गुनाह कर लेते फिरने वाला नहीं है, गुनाह करके उसके बाद कैफियत क्या है। खलीफा तो गुनाह नहीं करता था, आदम साहब गुनाह किए, शैतान जो समझ रहा था, फरिश्ते जो समझ रहे थे, उसको मिसाल में रखते हुए मैंने अर्ज किया के गुनाह करने वाला खलीफा है, खलीफा गुनाह नहीं करता, खलीफा वो है जो गुनाह नहीं करके भी अपने आप को गुनाहगार समझता है। अपने आप को गुनाहगार समझ लेने वाला खलीफा है, अल्लाह का खलीफा है, अल्लाह के हाथ से बना हुआ है, उसके हाथ से बनने की तजल्ली और उसकी लाज रख ली आदम अलैहिस्सलाम। क्या फरमाए, रब्बना ज़लमना अन्फुसना, आदम अलैहिस्सलाम की जुबान से अल्लाह तू मुझे माफ कर दी, ये लफ्ज भी नहीं निकला। क्या अब्दियत है, क्या अब्दियत है, क्यों नहीं फरमाए अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं इस लायक भी नहीं हूं कि अपनी जुबान से अल्लाह को माफ कर दे कहूं, अल्लाह इतना बड़ा गुनाहगार हूं कि मुझे माफी मांगने के लिए मेरी जुबान भी हरकत नहीं कर सकती, अल्लाह मुझे माफ कर दे, ये भी मैं कहने का लायक नहीं हूं। क्या कह रहे थे, ऐ अल्लाह रब्बना ज़लमना अन्फुसना, अल्लाह हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, हम गुनाह कर लिए हैं, व इल्लम तग़फिर लना, अगर तू माफ़ ना करेगा, व तरहमना, और तो रहम नहीं करेगा, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, हम जरूर भी जरूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। माफ़ कर नहीं फरमाए, अगर तू माफ़ नहीं करेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। माफ कर कहने में भी आपको शर्म महसूस हुई जबकि गुनाह भी नहीं किए, ये अर्ज करना था। क्या मकाम है, इसीलिए तो अल्लाह ताला उनकी तौबा के अल्फाज को कुरान का हिस्सा बना दिया। 5,000 साल पहले जो उनकी जुबान से अल्फाज निकले, कम रिवायत के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम से हुजूर के दरमियान जो फासला है उसमें 10,000 की भी रिवायत, 10,000 साल की भी रिवायत है, एक रिवायत है कि 50,000 साल का फासला है, एक रिवायत 1,00,000,000 साल की भी रिवायत है। कम से कम जो दिनों की रिवायत है 5,000 साल,
5000 साल पहले अल्फाज निकले और कुरान में अल्लाह जिक्र कर रहा है कि हमारे बंदे ऐसे भी है जिनसे गुनाह नहीं हुआ, उसके बावजूद भी वो हमारी बारगाह में जब तौबा के लिए अपने गुनाह को साबित करने के लिए आते हैं तो अपनी जुबान से माफ कर दे कहना भी गवारा नहीं है उनको। कैसी बेनफसी थी, इसीलिए पैदा किया आदम अलैहिस्सलाम को, ऐसा एक होना मुझे, गुनाह करने वाला नहीं होना। ये गुनाह के बारे में, अल्लाह की रहमत के बारे में जो लोग बयान सुन लेते हैं वो ये समझते हैं कि अब जितने चाहे गुनाह करो, गुनाह करते जाओ, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह माफ करने वाला है ना। अब मैं अगर मिसाल के तौर पर अपने घर में मेडिकल शॉप खोल के रख लिया, इसका मतलब क्या है, या मैं एक हॉस्पिटल बना लिया, बड़ा हॉस्पिटल बना लिया, और जब भी गाड़ी चला रहा हूँ जिसको जो सामने उसको टक्कर मार रहा हूँ, फिर मेरे लिए तो बड़ा हॉस्पिटल है, बड़े बड़े सर्जन्स मेरे हाथ में हैं, वो इलाज कर देंगे, मेरी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ देंगे, ये समझ के अपने हड्डियों को खुद ब खुद तोड़वा रहा हूँ, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है। और आगे मिसाल देखिए, हमारे पास पानी रखा हुआ है, अच्छे अच्छे साबुन और शैम्पूस रखे हुए है, क्या हम पड़ी हुई नीचे गिरी हुई गिलासत को उठाकर हाथ पे लगा लेंगे? पर पानी तो है साफ करने के लिए, जितना चाहे पानी है और साबुन भी मेरे पास है, गिलासत लगा रहा हूँ और साबुन से धो रहा हूँ। गुनाह को किस नजर से देखना वो नजर नहीं मिली हमको। एक चूंटी अगर हमारे जिस्म पे चढ़ रही है तो फौरन उसको हम वहां से दूर कर देते, मच्छर बैठा देखते कि फौरन छोड़ देते, इसी काटने हाथ काट ले बोल के, उसकी तकलीफ उसका नुकसान हमारे जहनो फिक्र में है, उसको देखते हुए हम फौरन उससे बचने की कोशिश करते। दुनिया की तकलीफ और जो तकलीफ जिस्म पे आने वाली है उससे दूर रहने के लिए हर तरह की कोशिश कर लेते हैं हम। आखिरत में जो तकलीफ है उसका बाइस दुनिया के गुनाह है, उस पर तो पलट कर ही नहीं देखे। वो कमाल, गुनाह करके तौबा करना कमाल नहीं है। अल्लाह तबारक वादा चाहता ये है, अल्लाह अपने बंदे से तौबा को चाहता है, इज्जो इनके सारी को चाहता है, किस हाल में गुनाह ना करे फिर भी तौबा करे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे। अब मफ़हूम क्या निकाल लिए लोग, कुछ तो गुनाह थे इसलिए तो इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। एक मकाम वो भी है जो गुनाह भी ना हो और इस्तिग़फ़ार भी हो। अल्लाह ताला खुद फरमाते वलम नजिद लहू अज़्मा, आदम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाता अल्लाह ताला, हम आदम अलैहिस्सलाम के दिल में गुनाह का इरादा भी नहीं पाए थे। गुनाह करना तो दूर की बात, अज़्म कहते दिल में किसी बात का इरादा कर लेना। उनको मालूम ही नहीं था कि ये वही दाना है जिससे अल्लाह ने रोका, आपको मालूम ही नहीं था, मालूम नहीं था ना, लेकिन जैसे ही कपड़े उतर गए तो समझ गए कि मौला नाराज है। आदम अलैहिस्सलाम को पता भी नहीं चला, 300 साल के बाद मालूम हुआ कि मैं वो जो दाना खाया था उस वजह से मुझे अल्लाह ताला जमीन पर उतार दिए, फिर रो क्यों रहे थे, मौला नाराज है। उनको मालूम नहीं था कि मैं गुनाह किया इस वजह से अल्लाह उतार दिए, उनको सिर्फ ये धुन थी कि अल्लाह नाराज है, मेरा खालिक मुझसे नाराज है, मैं गुनाह किया नहीं किया ये सवाल ही नहीं है उनके पास, बस वो नाराज है, बस उनको मनाओ, नाराज है बस, मैं क्या किया वो सवाल नहीं, कुछ तो किया रहूंगा, कुछ तो किया ही होगा जिसकी वजह से नाराज है, वो ना क्या किया उसको टटोलने नहीं गए, बस उसको मनाने में लग गए, अपने आप को मैं ऐसा हूं, मैं फुला हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं। मूसा अलैहि सलाम भी कहने लगे قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي, और मूसा अलैहि सलाम एक शख्स को मुक्का मारती और मर गया। कुरान कह रहा है فوقظه موسى فقضى عليه, मूसा अलैहि सलाम मारे उसको, उसकी मौत थी उस वक्त, मौत आ गई उसको, فوقظه فوقظه मतलब गुस्से से मारना, खाली सा हाथ से मामूली तरीके से मारे थे, मर गया वो, मार की वजह से नहीं मारा था वो,
उसके मौत का वक्त था, वो फ़क़ज़ा अलैहि मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए, सारी कौम समझ गई कि ये मूसा अलैहिस्सलाम कत्ल कर दिए। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين, ये तो शैतान का काम मालूम होता है, मैं तो इसको मारना नहीं चाहता था। उसके बावजूद फिर दुआ करते हैं, رب اني ظلمت نفسي اي الله मैं गलती किया हूँ, فاغفر لي मुझे बख्श दे, माफ़ फरमा दे। इधर ये कहना था गुनाह न करके भी तौबा किए तो अल्लाह ने फौरन फरमा فغفر له, अल्लाह ने माफ़ कर दिया, فاغفر لي فغفر له, अल्लाह ताला माफ़ कर दिए। तो अल्लाह चाहते क्या है, ये बहुत से मसाइल है, सफाई नहीं देना कभी भी, बुजुर्गों के लिए बुजुर्गों के पास बैठने की आदाब भी यही है, हम कभी गलती नहीं किए उसके बावजूद हमारे उस्ताद या शेख डांटते, कभी हम ये सोचते कि भाई मैं गलती ही नहीं किया क्यों शेख डांट रहे हैं। अब वहां सफाई देना शुरू करते, नहीं हजरत ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ये सफाई क्यों दे रहे हैं, मैं अच्छा हूं, मैं ये गलत नहीं करा। हमारे हजरत क़िबला का एक वाकया है, दादा सरकार नूरुल मशाइख सैयद नूरी शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह 50 दिन तक दवाखाने में थे, बहुत बीमार थे, 30-40 दिन तकरीबन गुजर गए, 50 दिन हजरत क़िबला हमारे शेख दादा सरकारी खिदमत में थे। एक दिन अचानक हजरत क़िबला नज़र नहीं आए, हमारे शेख नज़र नहीं आए। अब दादा सरकार उठकर बैठे, थोड़ी देर इंतज़ार करे, थोड़ी देर के बाद हजरत आए। 40-50 दिन से ना घर को गए ना नौकरी को गए, किसी भी काम को नहीं गए, बस खिदमत शेख में है। थोड़ी देर के लिए जब नज़र नहीं आए तो कहने लगे दादा सरकार, बीवी की याद आई शायद, बीवी को देखने गए शायद, कब शेख सो जाता और कब मैं अपने कामों से फारिग हूँ, मुरीद को यही हमेशा पड़ा हुआ रहता, शेख की सोबत में रहना खिदमत में उसको पसंद नहीं आता, नफ्स उसकी इजाज़त नहीं देता उसको, ये अल्फाज है जी। हो हजरत क्या फरमाए जी, और अब वहाँ से शुरू एक आधा घंटा घंटे तक बीवी वो बच्चों की मोहब्बत रहती, माल की मोहब्बत रहती, घर में क्या हो गया होगा, खा रहे नहीं खा रहे, पी रहे नहीं पी रहे, ये सारे ख्यालत आते रहते। यहाँ बैठना शेख की खिदमत पे रहना, ये किसी को किसको पसंद आता। सब सुनने के बाद जब पूरी तकरीर ख़त्म हुई दास सरकार की, तो एक दवा सिरप था हजरत के पास, वो लाकर पेश करे, डॉक्टर जो है सुबह में ये सिरप लिखा था आपके लिए वो लाने गया, वो ला लिया, मैं लाने गया थे फरमाए, वो ला लिया। गए कहाँ थे, दादा सरकार ही के लिए दवा लाने गए थे, अपने लिए नहीं गए। उस पर बातें क्या हो रही है, तुम अपने बीवी बच्चों के पास जाकर आए, घर का हाल देखने गए, अपनी ज़रूरियात के लिए गए। इतने गुफ्तगू में कभी हजरत नहीं फरमाया कि हजरत ऐसा नहीं है, मैं वहाँ नहीं गया, मैं दवा लाने गया था। 40 दिन से जो खिदमत में है उसको ये कहा जा रहा है सफाई दे बगैर। जी जी हो, अब उसके बाद भी दास सरकार ने फरमाया, अरे मैं जो है ऐसा समझा था, अरे तुम तो दवा लाने गए थे, ये भी नहीं फरमाए। अगर सफाई देते, नहीं सरकार मैं जो है मेरे घर को नहीं गया, आपकी दवा लाने गया था, अगर ये कह देते तो क्या होता, क्यों नहीं फरमाए। मैं हजरत से पूछा ये, अगर उस वक्त ये कह देते तो क्या होता, हजरत के इल्म में बात आ जाती ना, तो हजरत क्या फरमाए मालूम, मेरे शेख का इल्म गलत नहीं हो सकता। अगर मैं कह देता मैं घर नहीं गया यहां गया था, का मतलब ये है कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं वो गलत है, वो गलत ही नहीं हो सकते, मैं गलत हूं वो गलत नहीं हो सकते। सफाई देने का मतलब हमारी गलती नहीं है तब भी डांटे, जी हो बोलना, ये कितनी बेनफसी की अलामत है, कितनी तरबियत के बाद ये सुलूक कर सकता है एक इंसान। अब हमारा हाल देखिए,
एक दो बार कुछ बोल दिए, अब आना बंद कर देते। हजरत ऐसा बोलते क्या, वो क्या, इतना सख्त लहजा क्या, लोगों के सामने इज्जत चले गई। महीने में कभी एक बार आके बैठे, कभी एक बार बोले, तो ये हालत है। वहां 40 दिन 50 दिन से खिदमत में है, 50 दिन पूरे थे, उसके बावजूद इनाम क्या मिल रहा है? तुम्हारा दिल यहां कहां लगता? तुम्हारा दिल तो बीवी बच्चों के साथ रहता है। जी हाँ, सही है, बिल्कुल। हर बात के लिए खब मंजूर, आप जो समझे मैं वो हूं, उनको वो पसंद है, आप जो समझे वो खिलाफ वाकया हो जाना ये पसंद ही नहीं। तो बात बहुत तवील हो गई। तो हम अपने आप में जब तक खामियों को देखने वाले बनकर रहेंगे, हम बेनफ्स हो सकते हैं। गुनाह के रहने के बावजूद हर दिन हमारा जो वजीफा और मामूल है, गुनाहों का मुहासबा है, मैं क्या कर रहा हूं, सुबह से शाम तक क्या किया, क्या किया मैं? नेमतों को तो गिन नहीं सकते, गुनाहों को तो गिन सकते ना बैठ के, जो याद है, आए अल्लाह ये किया माफ फरमा दिया, आए अल्लाह ये किया माफ, कुछ भी नहीं करना, माफ कर दे बोलना है उसको। उन्हें नहीं देखते तुम कितने गुनाह किए, वो नहीं देखते। जब ना आदम लो बलग जुनूबू का आना न समा सुमस्तगफर तली गफर तू लका वाला उबाली। अय आदम के बेटे, तू गुनाह करके आसमान के किनारों तक, आसमान तक गुनाह को पहुंचा दे, इतने गुनाह करके ला, उसके बाद सिर्फ इतना कह दे कि अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। गफर तू लगा वाला उबाली, मैं तुझे ऐसा माफ कर दूंगा कि तू कुछ किया ही नहीं, तेरे गुनाहों की परवाह भी नहीं करूंगा मैं। वो चाहते ही ये कहता कौन है जो अपने आप को गुनाहगार समझा? अच्छे तो वही है, अच्छे तो वही है, खराब अपने आप को खराब साबित करने वाला होना था उनको। जब फरिश्तों से कह दिया अल्लाह ताला कि मैं एक खलीफा जमीन पर भेजने वाला हूं, तो फरिश्तों ने कहा कि नहन नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक, अय अल्लाह हम तो तेरी इबादत करने वाले हैं। अरे वो मुझे नहीं होना है, मेरा मतलब वो नहीं है, हम तेरी तस्बीह बयान करने वाले, तेरी तारीफ करने वाले हैं, वो नहीं है मकसूद हमारा। हमारे लिए को वो कहना था, मैं अच्छा नहीं हूं, आप अच्छे हैं, आप नहीं माफ करे तो कौन माफ करना, ये कहने वाला होना, मैं अच्छा नहीं हूं बोलने वाला होना था उनको, इसलिए इनको पैदा किए। फरिश्तों ने कह दिया कि हम इबादत करने वाले हैं, तो खूबी बताए ना, खामी नहीं बताए, खूबियां तो मेरे अंदर है, एक खामी बताने वाला होना है, इसलिए आदम को पैदा किए। इंसान की तखलीक का राज यह है, वो अपने आप को मौला की बारगाह में झुका के रखता है। अब वो झुकने वाला नहीं है तो ऐसा इंसान अल्लाह को जरूरत नहीं है, अल्लाह का मतलूब इंसान नहीं है वो। सारे अंबिया वही थे, सारे अंबिया गुनाह नहीं किए और हमेशा तौबा इस्तिग़फ़ार में थे। हम गुनाह करके भी शर्मिंदा नहीं, क्या थे वो लोग कि गुनाह भी न किए और पशेमान रहे, गुनाह नहीं करके सारी जिंदगी रोते थे। या लैतनी कुंतु गफूरा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने हमेशा, काश मैं एक परिंदा होता। अबू बकर किसी का नाम ही नहीं होता, प्रकाश में पैदा नहीं होता, ये कहते थे वो लोग, ये कहते थे। खैर, एक बात बहुत बढ़ गई है, बहुत हमारे लिए इस्लाह नफ्स के बहुत पहलू है। जब तक ये कमीना ख़त्म नहीं होता, ये ताबे नहीं होता, एक मंजिल भी, एक कदम भी राह सुलूक का तय होना मुहाल है, नामुमकिन है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह जो कुछ कहा गया सुना गया अमल की तौफीक अता फरमा, हमारे हाल पर रहम और करम फरमा, तेरे महबूब का सदक़ा अता फरमा, तेरे महबूब के महबूबीन का सदक़ा अता फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह गज़िशों का फू फरमा, कोताहियों को दरगुजर फरमा। तो ये वास्ता है पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अला बिरहमतिका या अरहमर रहीम। अस्सलामु अलैकुम।